छठ पूजा भारत के सबसे प्रमुख और प्राचीन त्योहारों में से एक है। खासकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार में सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। माना जाता है कि सूर्य देवता जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक हैं और छठ पूजा के माध्यम से उन्हें धन्यवाद और आशीर्वाद दिया जाता है। इस पूजा की खास बात यह है कि इसे बिना किसी पंडित या पुरोहित के लोग स्वयं अपने परिवार में करते हैं। छठ पूजा की कहानी। छठ पूजा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, उनमें से एक महाभारत काल से संबंधित है। कहते हैं कि जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया और सूर्य देवता की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को राजपाट वापस मिला। इसलिए छठ पूजा को धन, ऐश्वर्य और मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियंवत के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने मुनियों से सलाह ली और मुनियों ने यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के बाद जब राजा ने प्रसाद का सेवन किया तो उनकी पत्नी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस संतान की देखभाल छठी मैया ने की थी। यही कारण है कि छठ पूजा में छठी मैया की विशेष पूजा की जाती है और उन्हें संतान सुख देने वाली देवी माना जाता है। छठ पूजा की प्रक्रिया। छठ पूजा 4 दिनों का एक कठिन व्रत है। इसमें श्रद्धालु निर्जला उपवास रखते हैं, नदी या तालाब के किनारे जाकर उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। व्रत में विशेष तौर पर ठेकुआ, चावल के लड्डू और फलों का प्रसाद बनाया जाता है। इस दौरान व्रतियों द्वारा स्वच्छता, पवित्रता और कठोर नियमों का पालन किया जाता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा सूर्य देवता की आराधना का पर्व है। इसे करने से सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। इस पर्व में कड़ी तपस्या और धैर्य की परीक्षा होती है, इसलिए इसे बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है।